हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। इनफैक्ट अभी पुट्टपर्थी में हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी पुट्टपर्थी पहुँच गए हैं। लास्ट वीडियो को जहाँ पे एंड की थी वहीं से ही इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो चलिए आगे आगे क्या क्या हमें देखने को मिलती है आप सभी को दिखाऊंगी। और अभी देखिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें से एक जो प्रमुख है कार्डियो डिपार्टमेंट, जो है हार्ट का सर्जरी वगैरह सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। ये हॉस्पिटल में आपको बिलिंग काउंटर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और कुछ भी दिखाऊंगी आप सभी को। ये आ चुकी है एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का ऑफिस है, ये सारा एरिया जो है एयरपोर्ट का है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बैंगलोर में, वहीं पे मेरा दो दो ऑपरेशन हुआ है। भगवान जी का कृपा से मैं बहुत ही अच्छी हूँ अभी। चलिए अभी पुट्टपर्थी पहुँच चुके हैं। आगे देखिए ये है म्यूजिक कॉलेज और अभी जो आएगी इंडोर स्टेडियम, ये देखिए ये है इंडोर स्टेडियम। बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी का व्यवस्था भी है, पढ़ाई करते हैं बच्चे। यहाँ का सत्यसाई यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे होती हैं। और ये जो है देखिए प्लानिटोरियम आ चुकी है और ये सीनियर बॉयज हॉस्टल या जूनियर है, भूल गई मैं। और आगे जूनियर्स बच्चों के लिए स्कूल वगैरह आप सभी को देखने को मिलेगी। ये सारे बॉयज हॉस्टल और बॉयज स्कूल्स हैं। और ये आगे जो है ये चैतन्य ज्योति के लिए रास्ता था और ये जो है जूनियर बच्चों का स्कूल है शायद। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड, पुट्टपर्थी का बस स्टैंड है ये है। और यहाँ पे जाओ जहाँ भी जो भी चीज़ देखेंगे सारा आपको मंदिर के जैसे ही देखेंगे। और दीदी के अपार्टमेंट में भी पहुँच चुके हैं, अभी जल्दी जल्दी जाएंगे। और बहुत ही गर्मी हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं गर्मी हो रही थी, जर्नी की है ना तो थोड़ा सा अनइजी सा लग रहा था। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी चलेंगे। और भैया जो आए थे हमारे साथ वो हमें छोड़, वो मंदिर के पास ही उतर गए, मंदिर के गेट के पास। और हम दीदी के घर आ चुके हैं फाइनली। अभी हम पहुँच गए दीदी के घर, जल्दी जल्दी फ्रेश होंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। चलिए फ्रेश होने के बाद आप सभी से मिलूंगी। अभी हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। एक्चुअली 10:30 बजे तक दर्शन थी तो अभी 10:20 हो गई है, दर्शन मिलना मुश्किल है। शाम को दर्शन करेंगे और अभी अंदर जाएंगे क्या मंदिर के पास, इधर थोड़ा चिन्ह को दिखाएंगे सारा चीज। चलिए चलते हैं। और रिकॉर्ड करना मैं, मुझे पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी कि नहीं, वहाँ पे अलाउ होगा तो थोड़ा बहुत करूंगी, वरना फिर घर आने के बाद आप सभी से मिलूंगी। चलिए अभी चलते हैं। फैन वगैरह सब बंद करेंगे और यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है, दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए भगवान जी का दर्शन कर लीजिए, पूजा हो चुकी है। और दीदी का यह है किचन। दीदी आज दीदी आएगी, थोड़ी बहुत साफ सफाई की उसी लिए लेट हो गया है। चलिए अभी चलते हैं, लाइट वगैरह बंद करते हैं, किचन का लाइट बंद करते हैं। चलिए अभी हम मंदिर कैंपस के अंदर आ चुके हैं। सामने जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी का मंदिर है, अभी फिर जाएंगे। ये देखिए ये मंदिर है और यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना है। मैं बहुत ही डर के यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ। और सामने जो है गणेश मंदिर है, प्रदक्षिणा करेंगे। तो चलिए और अभी समय हो चुकी है, यहाँ पे सारा चीज़ टाइम के हिसाब से ओपन होती है। तो अभी मंदिर भी बंद हो चुकी है क्योंकि 10:30 से ज़्यादा हो चुकी है अभी समय, उसी लिए। तो चलिए भगवान जी का प्रणाम करके फिर प्रदक्षिणा करेंगे। और गुरुवार के दिन तो भगवान जी इतना सुंदर लगते हैं, मैं क्या बताऊँ। वो जो आए होंगे वही सब भी बता सकेंगे, जो देखे होंगे अपनी आँखों से। तो अभी प्रदक्षिणा करते हैं चलिए। और यहाँ पे प्रदक्षिणा के लिए भी देखिए कारपेट का जैसा डाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, नीचे पाँव जलेगी, उसी लिए ये सारा डाला गया है। और ये सामने देखिए भगवान जी का मंदिर, पीछे तरफ का है ये एरिया।
तो चलिए प्रदक्षिणा करके फिर चलते हैं। अभी दर्शन टाइम ओवर हो चुकी है, इसीलिए प्रदक्षिणा के बाद फिर हम जाएंगे शॉपिंग मॉल। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग मॉल। ये देखिए, ये है बामन गणेश हम बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भी फोटो मतलब रिकॉर्ड करना मना था। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। अभी तो टाइम हो गया था दर्शन करने के लिए, मतलब नहीं मिलेगा, दर्शन का टाइम ख़त्म हो गया था। गणेश जी का प्रदक्षिणा करके अभी शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो चलिए शॉपिंग मॉल के अंदर थोड़ा बहुत दिखाऊंगी या नहीं पता नहीं है। चलिए, शॉपिंग मॉल जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। वैसे तो हर रास्ता एक दूसरे से कनेक्टेड है और चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना शांत वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ये सारे जो घर हैं, ये सारे रेजिडेंशियल एरिया हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे घर खरीदे हैं, वो सब रहते हैं। और बहुत सारे ऑफिस बेयरर हैं, वो भी उन्हें भी दिया गया है यहाँ पे रहने के लिए। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो है स्टेट प्रेसिडेंट वगैरह वो जब आते हैं तो उन्हें भी दिया जाता है यहाँ पे रहने के लिए। और अभी हम शॉपिंग मॉल के आसपास पहुँच चुके हैं। और ये सारे बिल्डिंग जो है ना, जब हम आते थे पहले सेवा काम भी करते थे यहाँ पे। शॉपिंग मॉल से बाहर आ चुके हैं और वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था अंदर, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देखूंगी कल परसों, कल अगर होगा तो करूंगी। अभी बाहर निकल चुके हैं चिनू, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का लेके आए हैं, जैसे गरम मसाला वगैरह अच्छा था वो लेके आए हैं, लेके जाऊंगी भुवनेश्वर। चलिए अभी चलते हैं नॉर्थ कैंटीन खाने के लिए, पेट पूजा करेंगे, अभी भूख लग रही है बहुत ही ज़्यादा। और ये जो एरिया है, मेरा बड़ा बेटा साई जब यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था उस समय ये आ गया है, रेडियो साई यहाँ पे कर रहा था। रुकिए आप सभी को दिखाऊंगी, तब भी मैं आई थी, ब्लॉग की थी, आप सभी को अगर नहीं देखे होंगे तो आज आके देख पा रहेंगे। चलिए दिखाती हूँ रेडियो साई यहाँ से। ये देखिए सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है रेडियो साई, मतलब अभी तो चेंज हो गया उसका नाम, श्री सत्य साई मीडिया सेंटर हो गई है ये बिल्डिंग। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, साई वहाँ पे बैठता था, जब भी मैं बुलाती थी तो वहीं से ही निकल के आता था वो। तो चलिए अभी कैंटीन के तरफ चलते हैं, इस रास्ते से चलते हैं। हर रास्ते के साथ कनेक्टेड है, तो कोई भी मतलब इधर उधर होने का चांसेस नहीं है, किसी को भी पूछने से वो बता देंगे। वैसे तो हमें तो पता है किस तरफ जाना है। अभी कैंटीन के पास पहुंच चुके हैं हम और नॉर्थ कैंटीन जाएंगे खाने के लिए। चीनू इस तरफ जाएगा, मैं दूसरी तरफ जाऊंगी। यहाँ पे हर एक चीज़ लेडीज़ का और जेंट्स का अलग है, तो जेंट्स का अलग है। अभी ये सामने जो दिख रही है वो है ईश्वराम्बा कैंटीन, जब ये कैंटीन बंद रहती है तो वो खुला रहती है। चलिए अभी अंदर चलते हैं, और अंदर में कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी मुझे पता नहीं है। मुझे तो यहाँ पे फ़ोन रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मना है ना, उसे लिए एक्चुअली रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर दी हूँ। और चलिए हाथ धोते हैं, उसके बाद कैंटीन का अंदर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ही की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ। चलिए हाथ धोते हैं फिर चलते हैं। कैंटीन कुछ इस तरह दिखती है अंदर से, सारे बैठे हुए हैं और यहाँ भगवान जी हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी खाना बनती है भगवान जी को पहले अर्पण किया जाता है, फिर सभी को दिया जाता है। और यहाँ पे प्लेट है, प्लेट को लेके चलते हैं, खाना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं लेके आ चुकी हूँ, यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ होते हैं, आपका मनपसंद से आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से पैसा आपको लगेगी। तो चलिए अभी लंच करके बाहर आ चुकी हूँ, चीनू के लिए वेट की हूँ। चीनू आएगा, इधर से आएगा चीनू। चलिए अंदर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई। जो है ये वेस्टर्न कैंटीन है, चीनू गया है कुछ देखेगा, पिज्ज़ा वगैरह अगर मिलेगा तो लेके आएगा।
ये देखिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ छाँव में। ये जो है वेस्टर्न कैंटीन गया है चिनू, कुछ लेके आएगा उसका मनपसंद। एक्चुअली राइस वगैरह खाया, अच्छा लगा, लेकिन उतना सेटिस्फाई नहीं था। उसे इच्छा थी वेस्टर्न कैंटीन। मुझे वो ब्रेड वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं गई थी। मेरे चलते वो भी वे नॉर्थ कैंटीन चले गया, अभी गया है वेस्टर्न कैंटीन देखने के लिए। उसे कुछ मिलेगा तो वो लेके आएगा। चलिए रखती हूँ, चिनू आने के बाद दिखाऊंगी क्या लेके आया है। अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। चिनू वेस्टर्न कैंटीन से कुछ लेके नहीं आया, क्योंकि रात को डिनर करेंगे वहाँ पे। उसे लिए वो भी खा लिया था तो पेट फूल था, उसी लिए नहीं लाया, भरा हुआ था पेट। अभी जो है लड्डू के लिए कूपन लेके आ रहा है। मुझे लड्डू खाने को दिल कर रहा था, मैं बोली जाओ कूपन लेके आओ, लड्डू लेके जाते हैं घर पर खाएंगे। और यहाँ पे जितना भी साउथ कैंटीन का सारा कूपन वहीं पे मिलती है। चलिए अभी लड्डू लेके घर चलते हैं। साउथ कैंटीन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कूपन मिलती है वहाँ पे, वहाँ से लेके दिखाने से फिर हमें लंच के समय लंच, डिनर के समय डिनर और ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट मिलेगी। और सारा चीज़ ज़्यादातर टाइमली होता है यहाँ पे, खाना पीना से लेके दर्शन से लेके सारा चीज़। तो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। और ये जो है साई कुलवंत हॉल है। शाम को मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ, आप सभी को दिखाऊंगी इसी वीडियो में। चलिए सामने जो गेट दिख रही है वो गोपुरम गेट है, वहीं से ही बाहर चलते हैं। और बाहर से आप सभी को गोपुरम गेट दिखा रही हूँ, देखिए कुछ इस तरह है। और अभी जल्दी जल्दी घर चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। अभी फाइनली घर पहुँच गए, बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। ओहो फैन लगे तो जान में जान आ गई। और आइसक्रीम भी लेके आई हूँ, खाऊंगी बिल्कुल दिखाती हूँ। एक्चुअली अंदर अच्छा मिलता है आइसक्रीम, अभी कौन लेके आई हूँ इसे खाऊंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। दीदी आ जाएगी शाम को, अभी निकल चुकी होगी बेंगलोर से। चलिए दीदी आने के बाद आप सभी से मिलूंगी, अभी आइसक्रीम खा लेते हैं। अभी मेरी दीदी आ गई है, रंजेगा पुटी के बोली पड़े, हमारे दीदी आ गई है। चलो ये ऑरेंज जूस किन दूं मेरे? अभी मेरी दीदी आ गई है, मेरा बेटा इधर है, मेरा बेटा छुपेगा। अभी जा रहे हैं दर्शन करने। अभी भजन वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की हूँ साई कुलवंत हॉल का, अंदर से नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही आप सभी को थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। और अभी दर्शन चल रही है अंदर, चलिए देख लीजिए आप सब, दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हर तरफ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के ये करना। ना तू गए लो? हाँ साई राम, पन्ना रुपए हम देख चुके हैं, अब रुकेंगे कल जाती हूँ। अभी वेस्टर्न कैंटीन में डिनर करके आ चुके हैं और दीदी वो अंदर वीडियो नहीं की मैं, क्योंकि डर लगता है यहाँ पे, हर जगह मना करते हैं वीडियो करना, इसीलिए मैं नहीं की हूँ। अभी चिनू यहाँ पे बैठा है। चिनू आ रहा है यहाँ पे, देखो दौड़ी कैसे करूँ उधर आ गया। चलो चिनू खा चुका है। अच्छा था, मैं कभी नहीं आई थी वेस्टर्न कैंटीन, आज पहली बार आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं सोची थी ब्रेड वगैरह मिलेगा, इसलिए मैं नहीं आ रही थी, लेकिन इंडियन खाना था, अच्छा लग रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे
और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी, साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।